का न तो कभी भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ था और न ही है, क्योंकि पिछले अगर इतिहास की बात करें तो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र जन नायक चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि रही है और वहाँ से। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिंह और आप देख रहे हो ग्राउंड मीडिया। हम ग्राउंड मीडिया से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर आते हैं और आपको पता है कि बड़ौदा हलका में उपचुनाव होने वाले हैं और हम आपको एक जेजेपी नेता से हम आपको रूबरू करवाते हैं और पूछते हैं कि ये अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं। नमस्कार सर। राम राम मनीषा जी। देखिए, बड़ौदा में अभी उपचुनाव होने वाले हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, जिस प्रकार हमारे आदरणीय प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कहा है कि बड़ौदा के अंदर जेजेपी और बीजेपी दोनों एक गठबंधन की तरह दोनों पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ेंगी और हमारा जो गठबंधन आज पूरी तरह मजबूत है, जिसमें युवाओं के प्रेरणा स्रोत दुष्यंत चौटाला जी हैं, जिन्होंने युवाओं को पिछले चुनाव में एक वायदा किया था कि 75% आरक्षण निजी क्षेत्र में दिला करके युवाओं को रोजगार के मामले में एक नंबर पर ला करके खड़ा कर देंगे, तो उन्होंने अपना इस वादे को पूरा करके युवाओं को काफ़ी मान सम्मान देने का काम किया है। इसके लिए युवा पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में उनके जो हित हैं वो सुरक्षित हैं जी। और सर, जैसे बताया जा रहा है कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है और जनता में इसको अलग नज़र से देखा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये जनता इसको सही ढंग से देख रही है और जनता का नज़रिया जेजेपी और बीजेपी के कार्यों से, जेजेपी बीजेपी के गठबंधन से पूरी तरह बहुत ही जनता संतुष्ट है। लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जो विपक्षी लोग हैं, जो इस गठबंधन से जिसके पेट में मरोड़ हो रही है और वो नहीं चाहते कि दो ऐसे दल जिनकी समान विचारधारा हो, जिस प्रकार चौधरी देवीलाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, जो चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने एक साथ गठजोड़ करके इस देश को नई दिशा देने का काम किया था, उसी प्रकार आज दुष्यंत चौटाला डॉक्टर अजय चौटाला जी के साथ और जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, जिस प्रकार गाड़ी के दो पहिए हैं उसी प्रकार ये प्रदेश की सरकार को चला करके प्रदेश के हित की बात करते हैं। इससे पूरा प्रदेश के युवा, किसान, व्यापारी और हर वर्ग पूरी तरह संतुष्ट हैं और वो जनता के हित की बात सोचते हैं और जनता के लिए ये बहुत ही अच्छा साबित होगा और गठबंधन बहुत बहुत अच्छी तरह और चट्टान की तरह मजबूत है। और सर, बताया जा रहा है कि बड़ौदा हलका में हुड्डा का गढ़ है, क्या आपकी पार्टी इस गढ़ को तोड़ पाएगी? देखिए, बड़ौदा हलका न तो कभी भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ था और न ही है, क्योंकि पिछले अगर इतिहास की बात करें तो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र जन नायक चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि रही है और वहाँ से जो चौधरी देवीलाल के जो पार्टी के उम्मीदवार थे वो भारी बहुमत से जीत करके आए हैं, 3 बार रमेश खट्टक जी, 1 बार हमारे रामफल चिडाणा जी वहाँ से विधानसभा का चुनाव जीत करके अपने हलके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उस समय चौधरी देवीलाल की जो नीतियों की सरकार थी उस सरकार में भी बहुत अच्छे काम किए गए थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जिससे चुनाव में थोड़ी तब्दीली होगी, लेकिन ये जो यहाँ का जो बड़ौदा हलका है वो चौधरी देवीलाल का गढ़ है और जननायक जनता पार्टी का गढ़ है। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है, इसलिए हलके की जनता को पूरा विश्वास है और हमें भी पूरा विश्वास है, हलके की जनता, बड़ौदा हलके की जनता जननायक जनता पार्टी और भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। आनंद लाठर जी, टिकट को लेकर महामारी चली हुई है, आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को टिकट मिलेगी? देखिए, ये सब जो हमारी पार्टी की उच्च कमेटी है या हमारा जो नेतृत्व है वो फैसला करेगा, हम ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं पार्टी के, अगर जिसको भी टिकट दे करके गठबंधन भेजने का काम करेगा, हम ग्राउंड लेवल पे अपनी गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे, हम तो पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी के साथ जुड़ सकें और वहाँ पर गठबंधन का उम्मीदवार विजय होकर के बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र को विकास के मामले में आगे ले जाने का काम करें। थैंक यू आनंद लाठर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और मैं मनीषा सिंह आपको ग्राउंड मीडिया के ऐसे ही शख्स हम मिलवाते रहेंगे और
आपका बहुत बहुत। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।